नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ वारिस खान और हम आज आए हैं खरगोन में नगर निकाय चुनाव के चलते वार्ड क्रमांक 4 में, जिसमें हम जानेंगे वार्ड क्रमांक 4 की मूलभूत सुविधाओं, समस्याओं और समाधान को लेकर बात करेंगे। हम आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 4 से 4 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस से राजेश मंडलोई हैं, बीजेपी से चंद्रशेखर सेन, निर्दलीय उम्मीदवार हैं वकील धीरेन्द्र चौहान और सिद्धार्थ वर्मा। अब हम जानेंगे इनसे कि क्या क्या मूलभूत सुविधाओं और क्या नए प्लान को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। आइए हम बात कर सबसे पहले करते हैं धीरेन्द्र चौहान जी से। धीरेन्द्र जी, सभी वार्डवासियों का स्वागत है और सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं जो है इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करके हुआ। वार्ड की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो पूर्व में जो लोग रहे हैं, जिन्होंने जो अनदेखी करी है, जो काम समय पर होना थे जो नहीं हुए हैं, उनको लेकर बिल्कुल पुरजोर प्रयास करेंगे। मूलभूत सुविधा में जैसे सड़क है, पानी सप्लाई का काम है, नाली वगैरह की साफ़ सफाई, स्वच्छता विशेष करके ध्यान में रखी जाएगी। इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। वार्ड की छोटी छोटी समस्याएं, जो अपेक्षाएं हैं वार्डवासियों की, उनके लिए भी किया जाएगा। जैसे कोई धर्म विशेष के लिए, जैसे मंदिर वगैरह हैं, ये हैं, इनके निर्माण के लिए, जो उनकी सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। और पुरजोर पूरा तो स्वच्छता को लेकर रहेगा वार्ड के अंदर। लेकर आपके लगा कि जो पानी है, सड़क है, ये तो हर व्यक्ति की, मगर आपने चुनाव लड़ने के मन में था नहीं, तो क्या ऐसा नया आपके मन में विचार आया कि चुनाव लड़ना है आप? चुनाव लड़ने का मेन कारण यही रहा है कि पूर्व से जो वार्ड की अपेक्षाएं होती रही है, वो किस कारण से होती रही है, किन परिस्थितियों की वजह से होती रही है, उसको लेकर पुरजोर तरीके से प्रयास किया जाएगा। कहाँ कमी रह गई थी, और जैसे प्रशासन है, इनके बीच में समन्वय बनाकर कैसे सुविधा का संतुलन बनाकर इजी गोइंग काम हो सकता है, उसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता को लेकर जो कैंपेनिंग है, उस पर पूरा जोर दिया जाएगा। वार्ड के सुंदरीकरण पर पूरा जोर दिया जाएगा। और जैसे जो जो मूलभूत समस्या, जैसे आवारा पशुओं की है यहाँ पर, जिनसे काफ़ी लोग परेशान हैं, उनको लेकर प्रशासन को अवगत कराकर विधिवत कार्रवाई की जाएगी इनके प्रति। और बाकी जो है सब वार्डवासियों के लिए, जो भी उनकी तरफ से जो भी सुझाव रहेंगे, जो भी समस्याएं उनकी रहेगी, उनका त्वरित निराकरण परिषद से समन्वय बिठाकर किया जाएगा। क्योंकि परिषद जो है एक नियमानुसार बंदी भी परिषद है ना, तो परिषद में कहाँ किस व्यक्ति से कैसे काम करवाना है, ये इस पर भी फोकस होना चाहिए। आप वार्डवासियों ने कहा है और वहाँ तक उनको मैसेज ही नहीं हो रहे हैं, वो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, और उनकी अगर उपेक्षा कोई हो रही है, तो उनका कड़ाई से उनके ऊपर निगरानी रखकर, उनके वरिष्ठों को संज्ञान में लाकर और त्वरित समस्याओं का निराकरण करने पर पुरजोर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजेश मंडलो जी से, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। राजेश जी राजनीति में पूरा समय से जुड़े हुए हैं, इस वार्ड के रहवासी भी हैं। क्या मानते हैं कि इस वार्ड में पहले जो प्रत्याशी रहे उन्होंने कार्य कराया है, या अब आप कुछ नया कार्य करेंगे, क्या नई आपने प्लानिंग की है? अभी आप लोग खुद आए हैं यहाँ पर, वार्ड की व्यवस्थाएं आपने देखी है, कॉलोनी की व्यवस्था देखी है, उससे आपको नज़र आया होगा कि कहीं भी कुछ ऐसा विकास है ही नहीं, है ना। ये जो हमारे पूर्व पार्षद महोदय यहाँ श्रेय लेते हैं कि सड़कें, तो ये आप नगर पालिका में जाइए और देखिए कि गोरीधाम की सड़कें कैसे बनी हुई है ना, किसने बनवाई, कैसी बनी। और मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, मतलब चुनावी राजनीति से। मेरा मूल उद्देश्य था राजनीति में रह के जनसेवा करना, पर वार्ड के युवा मित्रों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का आदेश हुआ कि नहीं भैया, आप स्थानीय हैं, आप चुनाव लड़िए, हम आपको मदद करेंगे, और मैंने ये चुनावी समर में कूदने का तय किया, अन्यथा मैं कोई चुनावी राजनीति में आना नहीं चाहता था। चलिए हम अब बात करेंगे निर्दलीय उम्मीदवार जी, बताएं आपने। नमस्कार, सिद्धार्थ वर्मा मेरा नाम है, अवनी ग्राम में निवास कर रहा हूँ 20 साल से, तकरीबन 23 साल का हूँ मैं। चूँकि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ है, इस कारण दुर्भाग्य से और सौभाग्य से अपने परिवार वासियों के लिए, जनता के लिए, वार्ड के लिए मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, ताकि मैं विकास कर सकूं। कृष्णकुंज में भी मैंने भ्रमण किया, अवनी ग्राम में भी किया है, चमेली की बाड़ी में भी किया है। चमेली की बाड़ी में नाली का काम आधा अधूरा है, रोड का काम पूरे वार्ड में आधा अधूरा है, सिर्फ गोरीधाम कॉलोनी एक ऐसी है जहाँ पे रोड है, बाकी हमारे वार्ड में अवनी ग्राम श्रीनाथ कॉलोनी में जाके देखा जाएगा तो रोड बिल्कुल भी नहीं है।
और यहाँ पे एक आगे गली है, यहाँ से जो नाला जा रहा है यहाँ पे ड्रेनेज की बहुत समस्या जा रही है। वहाँ पेड़ के नीचे जाके पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उसको भी सही तरीके से सही कराया जाएगा। और जो भी वार्ड वासियों की जो भी समस्याएं हैं वह नगर पालिका तक पहुँचाई जाएगी और तत्काल प्रभाव से सही कराया जाएगा जो भी काम है। अभी आपको क्या लगता है कि क्या पुराने पार्षद जो रहे उन्होंने कार्य करवाया है नहीं करवाया, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या कमी रह गई जिसमें कार्य नहीं हो पाया? कमी तो रह गई है, 100% रह गई, 99% कमी रह गई। 1% हमारे यहाँ पे कार्य हुआ ज़रूर है, रोड का विकास हुआ है हमारे यहाँ पे, एक रोड का और एक नाली का हुआ, बाकी तो 99% तरीके से कमी रही गई है। आपका क्या रहेगा इसमें अगर आप जब चुनाव जीतते हैं तो जनता के लिए क्या करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं CCTV कैमरे की निगरानी रखूँगा पूरे वार्ड पे। हमारे यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती है, पूरा क्रीम वार्ड है, सब अच्छी फैमिलीज रहती है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे आवारा पशु है, सुअर है, कुत्ते हैं, इनसे सभी को बहुत समस्याएँ होती है, गंदगी बहुत है हमारे यहाँ पर, उसको पूरे तरीके से साफ़ कराया जाएगा और जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको पकड़ाया जाएगा। हमारे यहाँ पे नगर पालिका के जो कचरा गाड़ी वाले रहते हैं बहुत अभद्र तरीके से बात करते हैं महिलाओं से, पुरुषों से, उनको सबसे पहले लाइन पे लेके आएंगे, गलत भाषा यूज़ करने देंगे नहीं। और जो भी हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की और वायरों की समस्याएं, जैसे यहाँ पे ये वायर है कुछ जगह पे, ये रोड टच है 5-6 फीट के हाइट पर जाते हैं, इनको सही कराया जाएगा। और नगर पालिका से जो जल कर नल कर के रूप में अवैध तरीके से वसूली की जाती है ठेले वालों से, इनसे हमारे वार्ड में, ये अवैध नहीं होती है, इसके ठेका होता है बाकायदा, उसमें वसूली की जाती है, उसमें वसूली की जाती है। कुछ लोग डरा धमका के जो पूर्व में रहे हैं उन्होंने करी है, मैं जानता हूँ, आप बोलेंगे तो मैं उनसे आपका परिचय करा सकता हूँ, एक साल में जिन्होंने 2-2 बार भी कर भरा है। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व में इनके परिवार से पार्षद भी रहे हैं, आप पर कॉलोनी वासियों का आरोप है कि आपने किसी भी कॉलोनी के अंदर कोई कार्य नहीं कराया, ना रोड सही बनाई है आपने, ना नालियां निर्माण की है, ये स्ट्रीट लाइट नीचे है, कहीं पर नाले में पानी नहीं मिल रहा है, इतनी सारी समस्याओं को लेकर आपका विरोध किया जा रहा है, यह आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आप क्या सही मानते हैं इसे? ये तो वार्डवासी ही बताएंगे कि हमने क्या किया और क्या वार्ड वासी ही बता रहे हैं, वार्डवासी से अभी चर्चा नहीं की है आपने, वार्डवासी ही बताएंगे कि पहले ये मंदिर में आते थे तो नाली के पानी में पैर रख के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। अच्छा, तो वो नाली का विकास किया है हमने, मेन रोड बनाई है, कुछ गलियों की रोड भी बनाई है, और बाकी जो भी काम होगा वो और भी करेंगे हम। और ये पानी की निकासी के लिए पूरी कॉलोनी में आती थी, हमने इसके नाले की व्यवस्था करवाई है, बाहर से निकाला गया है बाहर। बोरीधाम कॉलोनी खरगोन शहर की शायद पहले नंबर की कॉलोनी है, जो जिसमें सीवरेज और ड्रेनेज और पानी की टंकी सब पहले थी, जब विकास की हुई कॉलोनी में भी ये हालत है तो फिर कॉलोनाइजर ने ये व्यवस्था ही नहीं की ना, सब टंकी अभी भी पड़ी है, बनी हुई है, कॉलोनाइजर ने कुछ नहीं किया, इनको पानी पीने के लिए नल के कनेक्शन की व्यवस्था हमने करवाई है, कॉलोनाइजर खुद कहेंगे कि भाई पाइपलाइन डलवाइए और नल लगवाएं सबको, कॉलोनी वासी खुद कहेंगे। क्या नया प्लान रहेगा आपका अगर यह, बाकी जो भी और काम होगा इन लोगों की सेवा में हाजिर है, करेंगे सब सेवा में तो हाजिर है, मगर आपका कोई प्लान तो होगा ना, क्योंकि बगीचे की बाउंड्री वॉल बनाना है और लोगों गलियों का नाली और गटर ये बनाना, रोड बनाना है, और ये निकासी जो गंदा पानी है उसको टोटल व्यवस्थित करना है, जो भी समस्या होगी उसको पूरा निराकरण करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जनता से, कि चारों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी बातें रख दी हैं, अब हम जनता से बात करेंगे कि क्या कहां तक इन्होंने जो कहा है वो कहां तक सही है। देखिए यहां जो कालीन की स्थिति है उससे सब पूरी तरह से अवगत है, कालीन का जिस तरह से विकास होना चाहिए वो पूरी तरह से हुआ नहीं है, कई जगह पानी भरने की समस्या है, कई जगह नगर पालिका के लोग नाली खोदते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद में जो मिट्टी वगैरह देती है वैसे ढेर के ढेर छोड़ के चले जाते हैं, उसकी बात की व्यवस्था नहीं देखते हैं कि जगह प्लेन हो जाए उसमें गाड़ी और निकलने वालों के लिए सुविधा हो, उस बात की ओर ध्यान नहीं जाता। कालीन में देखिए आप दिन भर सुअर घूमते रहते हैं, ये सब पूरे मंदिर परिसर में गंदगी करते रहते हैं, और यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं मंदिर में ऐसा नियम है कि नंगे पैर जाना चाहिए, जब उनकी गंदगी यहाँ रहती है और उस गंदगी में से लोग जाएंगे तो मंदिर का महत्व क्या रह जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर परिसर में आने वाले लोगों के लिए स्पष्ट सुस्पष्ट रास्ता प्राप्त हो, यहाँ पेपर ब्लॉकिंग हो जाए जिससे निकलने में और कीचड़ में दिक्कत नहीं जाए, बरसात में भी लोग आसानी से यहाँ आ सके, इस प्रकार की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो सड़कें अधूरी हैं उनको फिर से पूरी तरह से बनाया जाए, जहाँ जहाँ समस्याएँ उनको बड़ी बारीकी से देखा जाए,
कई बार नल दो दिन में आता है, तीन दिन में आता है, पानी की समस्या हो जाती है, कभी सुबह आता है कभी शाम को आता है, लोग परेशान होते हैं। अगर नल का समय फिक्स नहीं होगा तो लोग अपने काम छोड़ कर कहीं बाहर गया है उस वक्त नल आ गया तो फिर उसके घर का पानी छूट जाता है। तो ऐसी कई प्रकार की समस्याएं यहाँ कॉलोनी में आती रहती हैं, उनके ऊपर अगर जनप्रत्याशी ध्यान देंगे तो ये कॉलोनी का विकास पूर्ण तरह से हो जाएगा। और ख़ास करके हमारे मंडल जी इस पूरे कार्य में जो मंदिर वगैरह है इसकी व्यवस्था में उन्होंने सब लगा रखा है और जो कुछ हुआ है सब यहाँ कॉलोनी वालों के इकट्ठे से हुआ। पाइप लाइन भी जो डली है तो यहीं से लोगों से पैसा वसूल करके लगाया है, उनसे पैसा लिया गया है। पार्षद पूर्व पार्षद महोदय तो कह रहे हैं कि ये उन्होंने पूरी व्यवस्था करवाई है। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने पैसे इकट्ठे करे थे 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए में 7.5 लाख रुपए इकट्ठे करे जन भागीदारी से और ये पाइपलाइन पानी हम लेके आए वहाँ से। और उसके बाद भी उस समय की स्थिति ऐसी बन गई कि लोकसभा चल रहे थे तो उन्होंने पानी बंद कर दिया कि हम तुमको देंगे नहीं। मैंने कहा पैसा हमारा है, मूलभूत सुविधा है तो हमारा वाल खोलो, खोला नहीं। फिर हम भोपाल गए, भोपाल से वहाँ से हमने ऑर्डर करवाया यहाँ CMO बोला, जब हमको पानी मिला। हमारा जो गार्डन है इसकी बाउंड्री वाल मंजूर होने को कई समय हो गया, बोले मंजूर हो गई लेकिन आज तक बनी नहीं। पार्षद महोदय का ये कहना है कि यहाँ पर पहले पानी नहीं हुआ, इतना पानी आता था कि आदमी अंदर आ नहीं सकता था बरसात के मौसम के अंदर। ये जो अधिकतर है ना जो जन भागीदारी से जो पैसा इकट्ठा हुआ था, ये जन भागीदारी से हुआ या पार्षद महोदय ने करवाया? नहीं नहीं, जन भागीदारी जो पैसा इकट्ठा हुआ था हमारा, जो हमने कम से कम 15 या 20 बड़े बड़े डंपर से बड़े बड़े पत्थर डलवाए हैं, उन पत्थरों की वजह से इसको ऊंचा किया गया। ये हमारे खुद के पैसों से हमने डलवाया इसको। ये पूरे ग्राउंड को हमने मतलब पत्थरों से भरवाया। ये जो मेन रोड था इस पर भी वो जो डामर तो नीचे चली गई, पानी रुकता था घरों में घुसता था, उसमें भी गलियों में अपने अपने जो गलियों के जो सामने थे उन्होंने अपना अपना जो डैम्पर से पैसे इकट्ठे करके डलवाए उसको ऊँचा किया। अभी जो पानी है ना जो ये सीवरेज का जा रहा, अभी देखो कि उधर जा नहीं रहा है ना। आखिर पे नाला था वो जोशी जी के पास हम गए, धर्मेंद्र भाई मेरे साथ थे, वो जोशी जी को लेके आए और जोशी जी से हमने नाप करवाया कि नाला बना, उन्होंने कहा कि एस्टिमेट बन जाएगा, लेकिन आज तक नाला बना नहीं, न उसका कुछ हुआ ही नहीं। वो नाले के नाप यहाँ कहीं भी होता है, ये पूरे कॉलोनी वाले होते हैं, यहाँ कहीं भी होता है तो नगर पालिका में ही जाता हूँ कि वहाँ ऐसा करना वैसा। ये आपके सामने मंदिर में लाइट दिख रहा है, वो मैडम से निवेदन करा कि यहाँ अंधेरा रहता है ये लाइट लगाओ। लाइट कहीं मतलब 2007 से पहले हमने जो जन भागीदारी से पानी लाए उसके पहले 3 साल का एडवांस टैक्स भरा, उसके बाद भी हमारी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं हुई। कई बरसों तक हमने उसमें जन सुनवाई में आवेदन लगाए लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में यहाँ राम मंदिर में भंडारा था, उसके बाद में जाके निवेदन करा जब हमारी स्ट्रीट लाइट चालू हुई। जब हम पूरा पैसा भर रहा है उसके बाद में अंधेरे में रहे, चोरियाँ होती थी, बिच्छू सांप काटने का डर रहता था। आपकी कॉलोनी तो खरगोन शहर के विधायक महोदय के द्वारा निर्मित की गई, विधायक जी का निवास भी यहाँ से करीब है। हाँ पर है, पर आपने उनसे गुहार नहीं लगाई? सब जगह हमने गुहार लगाई है लेकिन जो कुछ भी है कॉलोनी वालों के जन भागीदारी से यहाँ जो काम हुए, ये यहाँ कोई पार्टी वार्टी का हमको पैसा नहीं लगा है। आपका सीधा आरोप ये है कि ना आपको बीजेपी ना कांग्रेस आपको किसी पार्टी ने सहयोग नहीं करा? पार्टी से मतलब नहीं है, हमने सहयोग नहीं करा आपको किसी पार्टी ने। लाइन के अंदर बात की जाएगी तो सीवरेज लाइन में जहाँ पर अभी कनेक्शन नहीं हुए घरों से वहाँ सड़क बन चुकी है। अभी भी आप अगर जाके देखेंगे तो आगे के 4-5 जब पीछे की साइड में जाएंगे पीछे की गली के अंदर तो पीछे की गली में अभी भी सीवरेज में नालियों का पानी अटैच नहीं है। अच्छा, वो सड़क बन गई है। अब जब उसकी टेस्टिंग होगी, जब उसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होने के बाद पता चलेगा कि आगे के 5-6 घरों के तो कनेक्शन ही नहीं है। अब सड़क फिर उखड़ेगी, फिर वो सड़क वैसी की वैसी ही रह जाए। पहले हमने यही बोला था कि पहले सीवरेज को प्रॉपर कीजिए, फिर उसके बाद में आप सीवरेज को लेकर पार्षद महोदय का इसमें कोई रोल का नहीं रहता है। सीवरेज को लेकर कलेक्टर साहब ने अभी कल ही समीक्षा बैठक बुलाई है, उनसे गाइडलाइन उनको तय करी है और उनसे समय सीमा मांगी है उनसे, तो सीवरेज के लिए कार्य चल रहा है। और दूसरी समस्याओं के लिए बताइए आप क्या? ये रोड जो बना था, ये आपका जो रोड बना है ये पूरा उखड़ गया, पूरे बच्चे गिर जाते, बड़े बड़े गड्ढे होंगे, आप अभी निकल के आए। हमने कहा इस पे डामर ही डलवा दो 2-3 इंच का, तो कम से कम ये बच्चे स्कूटी या कहीं जाते तो गिरेंगे नहीं, पूरे गिर जाते, गड्ढे जहाँ वहाँ पड़ गए, पूरे बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए। मतलब यहाँ बताओ ना विकास किधर के, पूरे कॉलोनी में घूम घाम के आओ किधर है बताओ। आप बताएं आप क्या बता रहे थे? पहले मतलब जिस वक्त में यहाँ पार्षद बन के आया उस समय यहाँ पे कोई रोड नहीं थी। आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं? पूर्व पार्षद पवन सेन, मेरी मिसेस पार्षद थी पायल सेन निर्विरोध। तो यहाँ पर हमने नाली की निकासी को लेकर, पानी की निकासी, यहाँ नाली का पानी हमेशा यहाँ पे भरा रहता था, पानी की निकासी नहीं थी। हमने सारे गलियों में पानी की निकासी को लेकर सुचारू रूप से प्लानिंग करके
पूरा कॉलोनी का पानी इधर हमने डाइवर्ट करा और यहाँ पे पानी भराता है बारिश में, और जो मेन नाला उस साइड में है। ये मुल्ला जी ने 3 फीट जमीन दी थी, हाँ। वो भी कॉलोनी वाले ने कब्जे में ले ली। किसने कब्जे में ले ली? केस केमिस्ट वाले ने। केस केमिस्ट शाम महाजन। तो आपने उनकी शिकायत नहीं की? शिकायत करी ना। शिकायत हो तो जमीन कब्जे में कैसे ले ली? मतलब हमारी जमीन है। बताइए मतलब क्या पूरी बात क्या है? मुल्ला जी जब कॉलोनी डेले भी थी तो उसकी जमीन दी उसने 3 फीट। अच्छा, गटर निकाल नाला निकालने के लिए, और नगर पालिका में पास भी हो गया था नाला। अच्छा, नाला का सब व्यवस्थित हम लोग कागज बने थे और मतलब टेंडर के लिए गए थे, पर वो किसी कारणवश उन कॉलोनी नाइजरों ने और या नगर पालिका के कुछ बात पे वो उनने कॉलोनी मतलब वो नाला बनने मकान नहीं बना लिया था, मकान बना लिया और अभी भी मकान और आगे भी पानी निकलने लिए मुल्ला जी ने मकान बना लिए और वो नाला भी रास्ता बन गया नाला उसको, और वो नाला भी जनभागीदारी से ही बना है। और दूसरा, यहाँ पीने के पानी की ये समस्या है कि जो नल आता है ना वो पर्याप्त नहीं है, उसके बावजूद भी ये टैंकर आपके सामने खड़ा है। टैंकरों से अगर हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो कुछ हो, अगर उस नगर पालिका तो नगर पालिका की पाइपलाइन आपके वहाँ आई नहीं है? आई है ना पाइपलाइन, मगर नल नहीं आता। 15 मीटर से ज्यादा नहीं देता। बड़ा परिवार कोई है, कोई कार्यक्रम आ गया, कोई बड़ा परिवार है, वो टैंकर ही आपके सामने जा रहा है, पानी मिलता है हमको। नगर पालिका क्या जा रही है देख लो, जबकि 20-22 साल हो गए कॉलोनी के, उसके बाद भी टैंकर नगर पालिका के टैंकर आपको पानी निशुल्क दे रहे हैं। वही आप नगर पालिका बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं नगर पालिका। नगर पालिका 24 घंटे पानी मिलेगा, 24 घंटे का आधा घंटा भी पानी नहीं मिलता हमको। तो नल का कोई टाइमिंग नहीं है कि नल कितने बजे आएगा आपके घर में। 8 बजे आएगा सुबह, दोपहर में 2 बजे आएगा, शाम को 6 बजे आएगा। ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या जो है ड्रेनेज की है, जो नाला है इसकी निकासी ही नहीं है। सी ब्लॉक में पूरा पानी आता है, घर में पानी में आता है। सुअरों की इतनी है कि ये मंदिरों में आके नहीं, यहाँ त्रिवेणी पे चाट रहे हैं भगवानों को। वो अभी बनाना पड़ा, वो मंदिर बनाना। आपकी इतनी सारी समस्याओं को लेकर आपने कभी क्या पार्षद महोदय के घर नहीं गए या अपने नगर पालिका का? तो आ जाता था, आप कहीं नहीं गए? पार्षद तो आ जाता था, हाथ से हुआ कहाँ काम फिर? तो फिर मतलब पार्षद ने काम नहीं करवाया, कराना चाह नहीं उन्होंने, या उनकी ताकत नहीं होती, इतनी करा नहीं पाए मतलब काम? नहीं, पार्षद करा नहीं पाए, पार्षद की क्षमता नहीं हो रही कि वो बराबर, ये हमारी इतनी समस्या हो। सुअर का आज बोलते हैं पकड़ के ले जाएंगे, दूसरे दिन वो छोड़ जाएंगे। तो वो नगर पालिका के सुअर है ना, नगर पालिका नहीं कर पा रही। देखो नगर पालिका, हम तो केवल जिसको जीता है उसको जानते हैं भैया। आप बोलो ये काम कलेक्टर के सुपर से या ये काम बाकी थी? बिल्कुल, उस समय परिषद भी, देखो परिषद किसी की हो, नहीं परिषद किसी की भी हो या कोई भी समस्या, हम तो हमारा प्रतिनिधि पार्षद है, हम उसके पास जाएंगे। भैया हम कोई भी समस्या लेके कलेक्टर के पास क्यों दौड़े या नगर पालिका सीएमओ के पास क्यों दौड़े? हमने इस आदमी को क्यों जिताया है? बिल्कुल, झाड़ काटने में भी छेड़ में कैलाश पटेल। हम तो सिर्फ एक आदमी जो भी चुन के आएगा हमारे पास, हम उसको हमारी समस्या बताएंगे, भैया ये अब आपका काम है, आप निपटो वहाँ समस्या है। और ये रोड 6 महीने में उखड़ गया, रोड और बिल्कुल नहीं बनी है, 2-3 जगह और ये बेकार बनी है। जहाँ भी बनी है रोड, तो तत्काल उसकी रोड की व्यवस्था भी होना चाहिए, ये हम प्रतिनिधि से कह रहे हैं। और हमारे घर के सामने खंबा है, हमारी माँ 3 बार गिर गई तान से, बेहोश भी हुई। टंकी वाला आया, टंकी तान और खंबा दोनों, टंकी वाला लेके आया, जो टंकी सहित गिरा तो बच गया, नहीं तो ऊपर ही निकल जाता। और वो प्रभु की कृपा रही, इसलिए उसको भी जो है कम से कम उस पर 22 कनेक्शन है उस खंभे पे। सभी जगह देखो ना, यहाँ भी है, हर गली में एक खंभा है, मकानों का कनेक्शन। और हमारी लाइट की रोड भी नहीं बनी है, रोड बनाई जाए। मंदिर में से केबल पास थी, हमको केबल चाहिए, यहाँ कार्यक्रम होते हैं, होली जले, कुछ तारों के जानते जाएगा तार, तो हमको ये केबल चाहिए, यहाँ होली जलती है। हमारा पार्षद ऐसा हो जो ये सारे बहुत सारे, हमको एक डोम लगाना है हमारे मंदिर में, लगा दे बाउंड्री वार करवाए, ऐसी बहुत सारी समस्या है। लाइन के तो बहुत, ये जो केबल है ना, ये केबल जरूरी बहुत ज्यादा, केबल पास में तुरंत करवाए। कई बार हमने बोला है कि पास है ना, केबल केबल पास हो चुकी है, पर लगवाई नहीं गई। नगर पालिका में किसी ने अड़ंगा डाल के इस मामले को रुकवाया गया। तो आप पार्षद थे तो फिर आपने इसके कार्रवाई को नहीं की इसके अंदर? आपने, हमने पूरी तरह कोशिश करी ना, जब पास करवा दी थी पूरा मामला हो गया था। मतलब प्रति मतलब महीने एक महीने यहाँ आए और सब हमारी जनता की बात सुने कि यहाँ तुम्हारी क्या समस्या है, क्या आपको चाहिए। अब हम लोग 5 साल आप लोग ये एक रोज आ जाते हो यहाँ पे, वोट ले लेते हो और भी चले जाते हो, उसके बाद में कोई आना नहीं जाना नहीं पूछना नहीं। अभी पिछली बार वो मार्केट महिला मार्केट थी, उसका मिस्टर आता था, उसको मैंने कई बार उसको बोला है यहाँ पे, मैं तो उसको जानती भी नहीं है।
उन्होंने मेरा कई बार मैंने समस्या बताई पर उन्होंने हाँ हाँ बोल दिया और उसके बाद में कोई आए नहीं ना कोई हमारी समस्याओं का हल करा नहीं। क्या समस्या क्या आपकी समस्या क्या है? आए थे सब न तो यहाँ पे स्वीपर आए नगर पालिका और वो जो खाली प्लाट पड़ा है आए दिन हमको ना तो डर बना रहा है साफ पड़े बड़े अभी परसों तरसों में हमारे बोर का झाड़ था बस चढ़ गया ऊपर खिड़की में से सब मुँह निकाल के बाहर देख रहा है अभी हमारे बच्चे ने सब पूरी झाड़ियाँ कटवाई। हमने रवि भाई को एक बार बोला सबको बोला हमने पर ये हम लोग साफ करवाते हैं पर ना नगर पालिका आती है ना कोई हमारे पार्षद सुनता है। फिर अब हम लोगों ने क्या करना हम भी पैसा कब तक हम अभी 500-600 रुपये हमने दिए झाड़ कटवाने देख लो जरा वो बागड़ फिर हमने लगाया अब देख रहे होने वाला मकान अभी आप पे आरोप लगा रहे हैं। अब ये इनके पास कोई खाली प्लाट पड़ा है नहीं खाली प्लाट को हम कैसे कर सकते हैं? नगर पालिका में कई बार शिकायत करी पर खाली प्लाट पे दो एक बार सफाई भी करी अगर बोल दे कि किसी ने फोन लगाया और मैं यहाँ पे उपलब्ध नहीं हुआ तो फिर वो जो भी यहाँ पे रहवासी बोल दे कि कभी भी हमने मतलब किसी भी चीज़ के लिए फोन लगाया तो मैं तुरंत आके उनकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करता हूँ और अधिकांश समस्याओं का समाधान करा है। कॉलोनी नाइजर ने यहाँ पर जितने भी स्ट्रीट लाइट लगे हैं उससे ज़्यादा नगर पालिका हमारी परिषद द्वारा यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का मतलब साधन किया गया। एक वो गली है जहाँ पर ये किराना दुकान है सुमित भैया की उस गली में अंधेरा रहता था एक भी पोल नहीं था वहाँ पे सारे पोल लगा के स्ट्रीट लाइट चालू करी गई है और एक बोया जाता है अपने उन्नीग्राम में वहाँ पर अभी तक किसी नगर मतलब रहवासी ने ये नहीं बोला। एक सुमित भी हमेशा बोलते थे कि यार भैया इसकी सफाई होना चाहिए हर साल वहाँ पर सफाई होती है ये नहीं बोलते फिर भी एक बार सुमित भैया ने बताया था कि भैया इसकी सफाई निरंतर करवाया करो वो हमेशा मतलब 4 वर्षों से मैं निरंतर उसकी सफाई बिना बोले करवाता हूँ और यहाँ पर सफाई कर्मचारी एक आता है जो पूरी कॉलोनी की सफाई करता है। स्वच्छता के नाम पर मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि यार वो किसी के घर का कचरा नहीं लेता हो या फिर सफाई नहीं करता हो। ये कानून वाले आरोप लगा रहे हैं कि स्वच्छता करने आके यहाँ पे अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। नहीं वो कोई अभी तक मेरे को शिकायत नहीं करी ना इन्होंने कोई भी कर्मचारी क्या रहा कौन बहन जो बताया कि वो दुकान वाली गली में इनने पोल लगाए वो तो बराबर लगाए हैं उस गली में अंधेरा रहता था ये इनकी उपलब्धि है मैं बताऊँगा जो कार्य करे हैं वो भी बताना है अपने को। इन्होंने पोल लगवाए उसको अंधेरे से निजात दिलाई गोए की सफाई भी बराबर हुई बाकी जो एक इतनी बड़ी कॉलोनी बस्ती लगभग 350-400 घरों के उसमें केवल मात्र एक स्वीपर है वो स्वीपर कम पड़ता है तो जैसा हमारी आंटी जी बता रहे हैं कि कहने के बाद भी सफाई नहीं करता है वो तो वो स्वीपर की भी परेशानी है कि यहाँ कम से कम 2-3 स्वीपर हो तब इस कॉलोनी को पूरा पाड़ पाएंगे क्योंकि यहाँ जितने भी आवारा पशु ये सुअर और कुत्ते घूमते हैं ये हर गली में उधर लेके चलूँ मैं हर घरों के साइड गंदगी फैलाते हैं और वो दिन भर कॉलोनी में खिड़कियों में से बदबू आती रहती है बाकी वो एक पेपर कहाँ कहाँ करेगा इसके लिए इन लोगों के पास क्या उसका उपाय है ये बता दें हमको। ना एक ही परिवार से बहू छोरा और उसकी पिताजी तीनों जन एक फिर हम किधर गली करेंगे उधर की नहीं करेंगे तो ऐसा क्यों अभी सब गोबर या हमारे कुत्ते की लेटरिंग हम लोग खुद साफ करते हैं हमको तो कर्मचारी की थी कभी पूर्व पार्षद को आपने पूछ लो भैया से नहीं सफाई के मामले में आपने सब बोलती थी भैया स्वीपर नहीं आता स्वीपर कई बार बोला और यहाँ झूठ मत बोला करो झूठ मत बोला जो बात है सही बोल दिया कॉलोनी वासी कोई भी बोलते झाड़ू लगाने झूठ पसंद नहीं करता झाड़ू लगाने वाला तो आता है रोज आता है। और दूसरी चीज में बताऊं यहाँ कॉलोनी में कचरा पेटी रखने की जगह नहीं है और इसलिए ऊपर के ऊपर लगाएगा इधर पड़ा है इधर वो अलग नहीं बात वो अलग मैटर है वो एक अलग चीज है घर जैसे झाड़ू की बात अपन क्यों करेंगे ऐसे कैसे नहीं नहीं वो आता है और उसको बराबर नहीं उसको बराबर कचरे की ट्राली भर के वो सुबिशी के वहाँ पर वो कचरा पेटी में डालने जाता है वो 10 बार यहाँ पर कचरा पेटी रखने की जगह भी नहीं है कॉलोनी में तो इन चीजों को भी देखना पड़ेगा। अगर हम एक तरफ किसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो गलत है पूरी तौर पे गलत है हम इल्जाम नहीं लगा रहे उसके ऊपर नहीं एक सीधी सी बात है आदमी कम पड़ रहा है हमारा आदमी कम पड़ रहा है कचरे फेंकने जो एक दो गली करके और वो इतनी सारी करके चले जाता है कि मैं आया मेरी ड्यूटी पे है ना आता तो रोज है ये मैं देख रहा हूँ 3 बजे रात से आता है वो 3 बजे रात से आता है सुबह 7 बजे तक काम करता है उसके बाद कभी इनकी गली में कर दिया कभी मेरी गली में कर दिया बाकी रेगुलर सफाई हर गली की। चंद्रशेखर जी आपने कॉलोनी वासियों की समस्याओं को भी सुना और उनके नई परेशानियों को भी आप पे आरोप भी लगाया गया है किसी लोगों ने आपकी तारीफ भी की है अब बात उसको अपन दरकिनार करते हुए नए चुनाव की बात करें कि आपके आने वाले चुनाव में इन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके पास मास्टर प्लान क्या तैयार करके रखा हुआ है? ये वार्ड वासियों की जो भी समस्या और बाकी रह गई है वो समस्याओं का भी निराकरण पूर्ण तरह से करेंगे पूर्ण गारंटी लेते हैं हम
हमारी सरकार भाजपा की सरकार दिल्ली सरकार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो हम इसका फील, इस कॉलोनी का फील तो पूर्ण हो दिल्ली सरकार और मध्य सरकार का नगर निकाय से कोई लेना देना नहीं, निकाय की सरकार भी आएगी बिल्कुल पूर्ण काम करेंगे हम, बिल्कुल यहाँ पे कार्य आपको तो करना पड़ेगा, पूर्ण करके देंगे हम बिल्कुल, जो भी समस्या होगी बाढ़ वासियों की करेंगे हम, ये गारंटी लेते हैं हम। धीरेन जी आप बताइए, आपने समस्याओं को सुना, बाढ़ वासियों की कितनी समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, आप बताइए क्या मास्टर प्लान तैयार किया आपने इसके लिए? देखिए वारिस जी, अभी जो आपने पहले हमसे पूछा उसके बाद में वार्ड वासियों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी, पूर्व पार्षद रहे हैं, लंबा कार्यकाल रहा है, उसके बाद भी वार्ड में बहुत कुछ कमियां हैं, छोटे से लगाकर बड़ी तक समस्याएं यहां पे अभी ज्वलंत समस्याएं बनी हुई। अब देखिए, जो परिषद और एक पार्षद के बीच में जो समन्वय होना चाहिए, जो एक प्रशासन का समन्वय होना चाहिए, उससे ये बहुत दूर रहे हैं अपने कार्यकाल में। वार्ड वासियों का जब मैं भी यहाँ पर आया, मैं देख रहा हूँ, पता कर रहा हूँ सब लेकर, तो उनका बताना है कि हमने समस्याएं तो कराई बाकी वहाँ तक पहुँची नहीं, क्योंकि इनकी कहीं इतनी व्यस्तता ही रही कि ये खुद वहाँ तक पहुँच के बात रखनी ही नहीं पाए। तो मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा कि मैं वार्ड का पार्षद हूँ अगर, तो मैं स्वयं तो जिम्मेदार हूँ ही सही, और जो नगरीय प्रशासन का जो अमला है उसका सीधा वार्ड वासियों से संपर्क किया जाए, जो दरोगा है यहाँ पे, जो यहाँ का इंस्पेक्टर रहेगा, जो राजस्व अधिकारी जो यहाँ पे रहेगा, उनका सीधा संपर्क वार्ड वासियों से किया जाएगा। भैया मेरे वार्ड वासियों को ये समस्या आ रही है, आपको सुनना है, मेरे तक ये बात आई है, तो उसको तत्काल यहाँ पर उपस्थित करा के सुनियोजित तरीके से काम कराया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मैटर जो है, एक जल प्रदाय को लेकर यहाँ पर समस्या, ये सारे शहर में कहीं ना कहीं है, तो बहुत से लोग यहाँ पर नौकरी पेशा हैं, व्यवसायी हैं, बाहर नौकरियों में जाते हैं, तो उन्हें जैसे बताया यहाँ पर कि समय लेकर नहीं रहता, एक निश्चित समय फिक्स कराने पर बिल्कुल पुरजोर रहेगा, इस वार्ड के लिए नहीं अभी तो पूरे शहर में ये व्यवस्था लागू होना चाहिए कि पानी मूलभूत सुविधा है, बगैर पानी के कोई आपके 90% काम नहीं हो पाएगा। तो जो जल आवर्धन योजना है ये जो है वो तो अपना काम करेगी, उसके अलावा जो नगरपालिका की पूर्व की जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरे पुरजोर से ये करवाना है कि आपको इस समय इतना नियमित जल प्रदाय करना ही करना है। स्वच्छता को लेकर जैसे बताया इन्होंने, तो स्वच्छता का ये नहीं है कि आप शहर की रोड़ें ही चमकाएंगे बताने के लिए, शहर की जनता रोडों पर निवास नहीं करती, वार्ड में निवास करती, अपनी कॉलोनियों में निवास करती, उनकी भी स्वच्छता के लिए उतना ही उनका अधिकार, उनसे स्वच्छता का पूरा टैक्स लिया जा रहा है। अब जैसे बताया कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं, कम से कम इतनी बड़ी कॉलोनी में 4 स्वीपर की व्यवस्था होना चाहिए, अदली बदली में उनकी व्यवस्था होना चाहिए, इस प्रकार से ये परिषद को अवगत कराना पड़ेगा, स्वयं को जाकर जो प्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाएगा उसको बताना पड़ेगा कि आपको ये नहीं इस तरीके से वहाँ काम करवा के देना है, उसके लिए बिल्कुल समन्वय का पुल बना के रखेंगे और इन वार्ड वासियों की जो ये मूलभूत समस्याएं हैं इनको लेकर बिल्कुल करेंगे। जैसे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज सबसे बड़ी समस्या है कॉलोनी के लिए, गर्मी के समय में ज़्यादातर कूलर एसी का उपयोग होता है, बिल्कुल कुछ घरों की बिजली बैठ जाती है, उनको लेकर विद्युत विभाग से लेकर जो नई डीपियाँ स्थापित करना है कि लोड कम जंक्शन को डाइवर्ट करना है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो रोड पानी के अलावा भी हैं, उन पर विचार करना जरूरी है, वार्ड वासियों को उनके लिए भी लेकर प्रेरित करना पड़ेगा। और जैसे ही अगर भगवान का आशीर्वाद रहा और यहाँ से चुनकर जाने का अवसर मिला तो बिल्कुल समन्वय बनाकर काम किया जाएगा। जैसे अभी बताया कि कचरे को लेकर बड़ी समस्या है यहाँ पर, तो वार्ड वासियों से आवारा पशुओं को लेकर समस्या, आवारा पशुओं को लेकर समस्या है, नगर पालिका में उसके लिए व्यवस्था कर रखी है, कांजी हाउस वगैरह है, ये है, उनके दरोगा हैं, उनका विभाग है, स्वास्थ्य का विभाग है, जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है ये कि ये जो अब आवारा पशुओं से मवेशियों से जो बीमारियाँ फैलने, संक्रमण फैलने का जो डर है उसको लेकर उनको अवगत कराएंगे और बिल्कुल पुरजोर तरीके से उनका अपन यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल उनको ये कहेंगे कि आपको ये काम करना ही है, करना है। और दूसरी जो समस्या ये एक ये रही है कि जैसे कचरा का एकत्रीकरण के लेकर जो वार्ड वासियों ने बताया, तो कचरा एकत्रीकरण में ये होता है कि मेरे घर के यहाँ नहीं होना, उसके घर के वहाँ नहीं होना, ये नहीं होना, ये एक समस्या इन जनरल सभी को रहती है। तो उसके लिए वार्डवासी जो भी एक स्थान सुनिश्चित चिन्हित करेंगे, बाकायदा उस पर डंपिंग जोन बनाया जाएगा और जो गाड़ियाँ आती है, जो आती है उनसे वहाँ पर कचरा कलेक्शन करवाया जाएगा। ठीक है मंडल जी, आप बताएं, आपने इतनी समस्याओं को सुना है, यहाँ पर कचरे की समस्या है, नाली की समस्या है, मंदिर में पेवर्स लगे हुए नहीं है, डोम नहीं लगा हुआ है, रोड नहीं बने हुए हैं, इतनी सारी समस्या कि आप क्या मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं? मेरा निवेदन ये है कि मैं खुद इस कॉलोनी का पिछले 25 वर्षों का निवासी हूँ, है ना, इस कॉलोनी का सबसे पहला मकान मेरा था। अच्छा। और जब से लेके अब तक, अभी जैसे बात आई स्वच्छता की, तो स्वच्छता में जब धार्मिक स्थल स्वच्छ नहीं है तो अपन कॉलोनी की क्या बात करें। मैंने कॉलोनी वासियों से वादा किया है कि यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो चुनाव जीतने के और परिषद बनने के 20वें दिन
इस मंदिर में पेवर डोम और बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन करवाऊंगा। मेरे को यहाँ के साथियों ने बताया कि इसकी बाउंड्री वॉल पिछले 5 साल से मंजूर पड़ी है, तो बनी क्यों नहीं? मंजूरी पड़ी 5 साल से नहीं पड़ी है, साल भर से पड़ी थी और उसमें 5 साल से नहीं पड़ी, 4-5 साल बता रहे जब तो भाई बोला था नहीं आप लोगों ने मंजूर पड़ी है तीन साल बन रही और 5 साल पहले 8 साल हो गए ना भैया, 8 साल हो गए। मतलब हमारे यहाँ पर बाउंड्री वॉल का वो हुआ था और टेंडर भी पास हो गया था, उसके बाद कोरोना काल आने की वजह से जब लोहे लेन के भाव कोरोना काल को 2 साल हो गए, कोरोना काल के पहले बाउंड्री वॉल पास हो गई थी, टेंडर भी हो गया, तो कोरोना काल जाने के बाद फिर आपने प्रयास क्यों नहीं किया? फिर मेरी बात तो सुनो, पहले पूरी तो होने दो। उसमें हमारे ठेकेदार जो थे कुशवा जी, उनके पिताजी का कई मतलब बीमारी के कारण उनका यहाँ पे आना रहना नहीं हुआ, वो साल भर करीबन बड़ौदा रहे और वो हमेशा मतलब बड़ौदा। तो यहाँ नगर पालिका के फिक्स ठेकेदार है, दूसरे ठेकेदार काम नहीं करते हैं? नहीं, तो जो टेंडर लेगा वही करेगा या दूसरा करेगा, तो ये बात को आपने नगर पालिका में बंद करना है, तो उनका टेंडर कैंसिल करा। टेंडर जब होता है तो टेंडर के ऊपर एक नियत तिथि तय की जाती है कि इतने समय में काम करके देना है, काम नहीं करने पर टेंडर वो निरस्त किया जाता है। निरस्त हुआ, उसके बाद में कोरोना काल लग गया तो दूसरा मतलब टेंडर नहीं हो पाया, इस कारण से इसकी बाउंड्री वॉल रुकी पड़ी। चलिए ठीक है, और अब क्या है कि लोहे ने इनके भाव बढ़ने की वजह से उसको मतलब वो करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, हाँ सिद्धार्थ जी बताइए, अभी आप वादा कर रहे थे कि मैं नोटरी करा कर दूंगा, क्या प्लान कर रहे हैं आप बताइए? मैं अगर चुनाव जीतता हूँ परिणाम आने के दिन अगले दिन ही मैं भूमि पूजन करूँगा, यहाँ के पेवर लगवाने का काम अगले दिन से चालू हो जाएगा, तत्काल प्रभाव से बाउंड्री वॉल भी बनवाई जाएगी और डोम भी बनाया जाएगा, क्योंकि आपने अभी फिलहाल में ही देखा है कि पानी की समस्या से हमें अंदर आना पड़ा है, तो इसकी बहुत अति आवश्यक ज़रूरत है। तो आज हम थे वार्ड क्रमांक 4 के अंदर, जहाँ पर आपने सुना कि सभी नागरिकों की यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी, कुछ समाधान हुए, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको समाधान करना अभी संभव नहीं है, नई परिषद में संभव हो पाएगा। तो हम आपको इसी तरह हर वार्ड में प्रतिदिन लेकर चलेंगे, जब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी।